चलिए देखिए, तो इस फॉर्मूला को पहले हम प्रूफ कर देते हैं। इंटीग्रेशन व्यापार, कल डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके आप लोग को कुछ होमवर्क दिए थे, ठीक है, और आज इसको प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है ना। तो तैयार है सभी? पीछे वाले किधर? सबसे पहले अगर हम आपको कहें कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यू इनपुट भी नहीं डब्लू, तो क्या आप जानते हैं इसका फॉर्मूला? यू इनटू वी का डिफरेंशिएशन पे यू इनटू डब्लू को लेके चलेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा हो जाएगा। मतलब या डिफरेंशिएशन यू इन टू बी पर होता है। अब हम दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलित करने पर। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स यू इंटू डब्लू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें dx इसके रिस्पेक्ट में ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, और x का फंक्शन है u और v, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ u इनटू dw बटे dx, और dx भी यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इनटू du बटे dx dx, ठीक है। अब उसके बाद किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और फिर उसका इंटीग्रेशन करो, मतलब खुद वही फंक्शन, बात समझ रहे हैं? किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर उसी का इंटीग्रेशन, इसका मतलब वही फंक्शन। तो बताइए यहाँ पर यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन किया गया है फिर उसका इंटीग्रेशन, ये सब हट करके क्या हो जाएगा, केवल यू इंटू डब्लू, इस बात को मानते सभी? यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी डब्लू बटे डी एक्स, यहाँ भी सेम चीज, इंटीग्रेशन ऑफ डब्लू इंटू डी यू बटे डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखा जाए, हम यहाँ पे एक चीज मानते हैं, इस डी डब्लू बटे डी एक्स को मान लेते हैं भी, लेट फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए डी डब्लू बटे डी एक्स को क्या मान ले। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे कि डब्लू का डिफरेंशिएशन भी, इसीलिए भी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डब्लू का डिफरेंशिएशन भी इसीलिए भी का इंटीग्रेशन डब्लू, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसलिए आप यहां कह सकते हो कि यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू डी एक्स बराबर कितना, डब्लू, एनी प्रॉब्लम, ये बात समझ में आया? अरे डब्लू का डिफरेंशिएशन भी तो भी का इंटीग्रेशन हो गया, तो इन चीजों को हम कहाँ प्रयोग करेंगे, जहां पे आपको डी डब्लू बटे डी एक्स है उसके जगह पे भी, जहां केवल डब्लू है उसके जगह पे ये, तो अब ये हो जाएगा आगे चल करके यू इंटू डब्लू का मान आप रख सकते हैं भी इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन यू इंटू इसके जगह पे क्या रखोगे, भी इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर डब्लू के जगह पे क्या रखोगे, ये डब्लू के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, और डब्लू को हम यहाँ लिखते हैं डब्लू का मान इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, क्लियर। और ये जो डी एक्स है तो इस तरह से डी एक्स एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हो गया फॉर्मूला, इसको इसी तरह रहने दो, इसको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा यू वी का इंटीग्रेशन, इसको इधर लेके आएंगे तो डी यू बटे डी एक्स वी का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, इस तरह बच जाइए यू इंटू भी इंटू डी एक्स, देख लो
एलएचएस का एनएचएस में, आरएचएस का एलएचएस में है। तो देखिए यहाँ पे यू इंटू बी का इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, केवल u इंटू वी का इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकेंड को इंटीग्रेट और इस पूरे का होल इंटीग्रेट, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए देखिए शुरुआत से, एक बार हम u इंटू डब्ल्यू इसलिए लिए कि आगे चल करके हम उसको भी मान लेंगे तो फॉर्मूला u भी पर आ जाएगा। तो यहाँ पर u इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला लगा दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के बाद कैसा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स। इसलिए u इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो u इंटू डब्ल्यू ही मिलेगा और ये दोनों जगह सेम चीज। अब हम क्या किए, तो डी डब्ल्यू बटा डी एक्स हम मान लिए भी, याद रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आ गया डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, यू इंटू भी होना चाहिए ना, यानी कि ये भी के जगह पे है इसलिए इसको हम मान लिए भी। और ऐसे सोचो कि डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन भी, तो भी का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, क्लियर। और ये वैसे का वैसे रह गया, तो अब जहां पे डी डब्ल्यू बटा डी एक्स मिले वहां भी रखो, जहां पे केवल डब्ल्यू मिले वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स लिखो। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू की जगह वो चीज रख दिया मैंने, और यहाँ पे भी रख दिया, और यहाँ पे डी यू बटा डी एक्स को यहाँ लिखे और डब्ल्यू की जगह भी का इंटीग्रेशन लिखे, बस इसी टर्म को हम क्या किए, इसको इधर और इसको इधर भेज दिए और फिर हम उल्टा के लिए ये हो गया, समझ में आ गया। एक गल पे बात चलो ठीक है। अब क्वेश्चन आपको भी क्या दिए थे, एक क्वेश्चन दिए थे अभी बनाने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट बना लिया है, अच्छी बात है। ये प्रश्न आ गया, कल रूल नंबर वन लिखाए थे, रूल नंबर वन ये लिखाए थे कि यू और वी का सिलेक्शन करने के लिए अगर किसी तरह बनाना शुरू कर दोगे तो कहीं मामला फंस जाएगा, इसीलिए आपको बताए थे यू और वी का चुनाव में से यू उसे माने जो आइलेट शब्द में आगे आता हो, आइलेट शब्द में आगे आता है उसे यू मान लेंगे, जो बच गया उसे ये मान लेंगे, कोई दिक्कत। यदि इंटीग्रल में, रूल नंबर वन लिखा थे, यदि इंटीग्रल में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो तो यू उसे माने जो शब्द आइलेट में पहले आता हो, पता है ना, तो यहाँ बताइए आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, इसलिए क्लास में पढ़ा दिए हैं सर, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, चलिए उसी के अनुसार इसमें देखते हैं कौन क्या होगा, ये हो गया एल्जेब्रिक और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, ए और टी में कौन पहले, पहले आता है, इसका मतलब ये इसे यू मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, ठीक है। चलिए इसको यू मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, u into v का इंटीग्रेशन आपके सामने है, या फर्स्ट सेकेंड करके, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस देना, अब जिसको छोड़े थे यानी फर्स्ट को, उस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन दोनों जगह होता है, इसलिए आप फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकेंड को इंटीग्रेट और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स एक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, यहां पे इंटीग्रेशन एक्स का वन सेक स्क्वायर का टेन एक्स इंटू
dx बोलो 10x का इंटीग्रेशन, ये हो गया x इंटू 10x माइनस 1 इंटू 10x, 10x, 10x का इंटीग्रेशन लॉग, सही कह रहे हैं ठीक है, बढ़ जाइए क्या ठीक है ना, लॉग sec x प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर। तो समझे कितना आसान था, देखो है आसान। चलिए तो रूल नंबर वन कंप्लीट है। रूल नंबर वन क्या था, यदि इंटीग्रल में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो तो u उसे माने जिसका जो आगे सब में आता हो, मेरी प्रॉब्लम। चलिए लीजिए अब दूसरा रूल, चलिए बोलिए।
लिख लिया, इसको जल्दी पूरा करो। चलिए देखिए अब रूल नंबर टू लिखिए पहले। रूल नंबर टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल नंबर टू। यदि इंटीग्रांड में दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो U उसे माने जिसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना आसान हो। यदि इंटीग्रांड में दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, मतलब पहले हम बताए कि यदि इंटीग्रांड में दोनों डिफरेंट टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, रूल नंबर वन। उसके बाद क्या बता रहे हैं, यदि इंटीग्रांड में दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो यू उसे मानेंगे किसे, जिसका डिफरेंशिएशन करना आसान लगे आप लोग को। जैसे पहला प्रश्न, एक्स प्लस टू रूट अंडर एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। देखिए दोनों एल्जेब्रिक है क्या? यस, दोनों एल्जेब्रिक है, तो किसको यू मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना आसान है। आप लोग बताइए कि आपको अगर हम कह दे एगो ई डिफरेंशिएशन दे, एगो ई दे दे, तो किसका डिफरेंशिएशन आसानी से, इसी का ना, ई तो चेन रूल पे चलेगा, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन आसान है, तो ये यू हो गया और ये भी हो गया, समझे। इन्हें कहना नहीं सर जी हमारा यह आसान लगे, तो रेयर गियर का कोनो मैथ समझे, तो हम इसको यू मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे। और करिए इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला से, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स माइनस थ्री रूट का मतलब वन बाय टू, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू सेकेंड का इंटीग्रेट, तो एक्स माइनस थ्री रूट का मतलब पावर में हाफ, और इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए फॉर्मूला पर कोई भी लिख सकता है इस तरीके से, चलो ये फॉर्मूला पर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे x प्लस टू इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, पावर में एक जोड़ने का, उसी पावर से भाग देने का, पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन बट्टे दो, और उसी तीन बट्टे दो से भाग। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन वन और टू का जीरो छोड़ दिया जाए, और इसका इंटीग्रेशन तभी निकालवे किए ना, बिना दिमाग लगाए यही चीज यहाँ रख दो, ठीक है, x माइनस थ्री के पावर में तीन बट्टे दो, और यहां पर भी तीन बट्टे दो इंटू डी एक्स। कोनो समस्या, इसका डिफरेंशिएशन वन, इसका इंटीग्रेशन जो है लिख दीजिए, और ये वाला डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन। इसके बाद फिर यहां उलट जाएगा, कितना हो जाएगा, दो बट्टे तीन
एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री के पावर तीन बटे दो, यहाँ भी उलट करके कितना दो बटे तीन, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे निकल गया था इसका इंटीग्रेशन, तो इसके पावर में एक जोड़ेंगे तो पांच बटे दो, इसी पावर से भाग देंगे पांच बटे दो से और प्लस में सी, ये हो जाएगा क्या कुछ बोल रहा है, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री के पावर में थ्री बाय टू, उलट करके कितना होगा चार बटे पंद्रह और एक्स माइनस थ्री के पावर फाइव बाय टू प्लस सी, यही हो गया इसका आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो क्या समझे, रूल नंबर टू आसान लगा, यदि इंटीग्रांड में दोनों क्या होगा एलजेब्रिक फंक्शन होगा, यानी सेम ही टाइप का फंक्शन हो तो क्या क्या हो सकता है, दोनों एलजेब्रिक हो सकता है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लिखा जाए। यदि इंटीग्रांड में दोनों सेम टाइप के फंक्शन हो और उसमें भी दोनों एलजेब्रिक, तो यू उसे मानना जिसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना आसान बुझाए। शाम वाले बैच पांच से छह में इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है एक दो दिन के बाद, ठीक है ना? तो जो भी बच्चा को छूट गया इंटीग्रेशन, शाम वाले पांच से छह में आकर के मैनेज कर सकते हो तो कर लेना। हाँ, लाइव चलता है उसका भी, पांच से छह का पूरे क्लास का लाइव उपस्थित है। बोलो तब, इसमें कोई डाउट नहीं? अगला रूल लिखाया जाए। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, पीछे लिखे रूल नंबर थर्ड, यदि इंटीग्रांड में दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, कैसा फंक्शन,
त्रिकोणमितीय फलन, यदि इंटीग्रांड में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो अब भी पर फोकस करेंगे, वो दोनों रूल किस पर था, यू पर, अब भी का सोचेंगे तो भी उसे माने जिसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान हो, जिसका इंटीग्रल ज्ञात करना आसान हो, यदि इंटीग्रांड में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम भी उसे मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान हो। इससे पहले वाला में क्या था, यू मानने का बात किए थे, अब यहां पे बात करते हैं भी मानने का। तो जब दोनों किसका फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तब जैसे आपको दे दिया सेग क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है तो सिंगल, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं सेग एक्स इंटू सेग स्क्वायर एक्स, बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया क्या, बोलना है दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। बताइए आप लोग कि इस सेग एक्स में और सेग स्क्वायर एक्स में किसका इंटीग्रेशन आसान है, सेग स्क्वायर एक्स का आसान है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले है, इसलिए आप सेग स्क्वायर एक्स को मान लीजिए भी, तो जो बच गया वो क्या हो गया, यू, आसान है। इसलिए आप इसको यू और भी पर इंटीग्रेशन में पार्ट पर इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो तैयार है सभी, यू इंटू भी फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहां पे सेग एक्स और सेग स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, यहां पे सेग एक्स का डिफरेंशिएशन सेग एक्स इंटू 10x और सेग स्क्वायर एक्स का 10x इंटू dx, कोनो समस्या। अब बोलो ये हो गया सेग एक्स इंटू 10x माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, 10x² इंटू सेग एक्स इंटू dx, याद है कुछ। सबसे पहले सेग का पावर देखने बोले थे ना, तो सेग एक्स का पावर अगर सम हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो 10 को पुट करिए, अगर सेक का पावर सम ना हो तो मजबूरी में 10 का पावर देखिए, बोले थे हाँ। तो क्या करोगे, सेग एक्स को किसको पुट करेंगे, सेग एक्स को, उस तरीके से भी बना सकते हो, और हम यहां लगा देते दूसरा तरीका, देखिए कौन तरीका, क्योंकि वो तरीका बता चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे सोचते हैं और कुछ नया चीज आपके लिए, क्या अगर हम इसको आई मान लेते हैं, किसको, क्वेश्चन को, अगर हम इसको आई मान लेते हैं समीकरण एक, तो देखिए आगे क्या होने वाला है, ये हो जाएगा सेग एक्स इंटू 10x माइनस, इसको हम चेंज कर देते हैं 10² का क्या करेंगे, सेग स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेग एक्स इंटू dx, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर दिए, अगर 10 का पावर ओड होता तब सेग को मानते, और इवन आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा आई बराबर, ये हो जाएगा सेग एक्स इंटू 10x माइनस, इससे इसको इसको गुना करिए, ये हो जाएगा सेग क्यूब एक्स माइनस सेग एक्स इंटू dx, और ये हो जाएगा बबुआ सेग एक्स इंटू 10x, यह इंटीग्रेशन दोनों में लगाइए, ये हो जाएगा सेग क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, और ये सेग एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है।
ई देखो तो ये क्वेश्चन है समीकरण एक से शुरुआती से से क्यू एक्स को हमने क्या माना, मान सकते हैं सेम आ गया, तो ये हो गया आई बराबर सेग एक्स इंटू टेन एक्स, इसके बदले हम आई लिखे तो कोई समस्या बोलना नो, और ये हो गया सेग एक्स, सेग एक्स का इंटीग्रेशन बोलो लॉग सेग एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी कर दो ई माइनस आई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस आई, तो आई आई टू आई और यहां पे सेग एक्स प्लस इंटू सेग एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेग एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आई का मान निकालना था मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का, इसलिए ये जो भाग है इधर क्या गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, और यहाँ पे हो जाएगा सेग एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेग एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट में है तब प्लस सी। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये दो भाग जो लगा है तो सीओ में न लगेगा, तो सी है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में दो से भाग देंगे तो भी कॉन्स्टेंट, इसलिए सी ए रहने दो। या आप ये कह सकते हो कि पहले भागे दे दिए पूरा सरल कर दिए लास्ट में कॉन्स्टेंट को जोड़ दिए, ऐसे भी समझ सकते हैं क्या। तो चलिए इसको लिखा जाए, ये हो गया जब दोनों कैसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो भी उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान हो। नोट किया जाए फास्ट में, रूल नहीं लिखा था, लिख जल्दी। देखिए किताब छत्तीस तक तो बन जाता। मात्र 62 क्वेश्चन है, पूरा करिए।
लिख लिए, जल्दी करो। अभी कौन कौन कॉलेज में एग्जाम चल रहा है? आरएन कॉलेज में, एमएलटीओ कॉलेज में, महिला कॉलेज में, पुरुष कॉलेज में। चलिए लिखिए रूल नंबर 4। यदि इंटीग्रांड में सिंगल फंक्शन हो, सिंगल मतलब एक ही फंक्शन हो, यदि इंटीग्रांड में सिंगल फंक्शन हो तो एक से गुणा करें एवं एक को हमेशा भी माने, एक से गुणा करें एवं एक को हमेशा भी माने। यानी दो को रूल जो था वो यू पर था और दो को रूल जो है वो भी पर है। यदि इंटीग्रांड में एक ही फंक्शन होगा सिंगल, ठीक है, तो उसमें एक से गुणा करके दो को फंक्शन बना देना, क्या है, एक को क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। जैसे एक नंबर में log x का इंटीग्रेशन, बताइए इसमें क्या को फंक्शन है, क्या करेंगे, अभी सिंगल फंक्शन है तो इसमें log x है ना, इसमें एक से गुणा करेंगे और एक को क्या मानना, भी, तो जो बच गया वो क्या होगा, u। अब कर सकते हो, करो तो लोग।
मुस्कुराने की वजह तुम लोग हो क्या? नहीं सर, कुछ और है। देखो हाँ बोलिए। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा तुम लोग से? जल्दी करो, हम आपको बता दिए कि किसको यू मानना चाहिए, किसको भी मानना चाहिए, और फटाफट। यू भी फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, सेकेंड को इंटीग्रेट, और इस पूरे को होल इंटीग्रेट तो करते ही है ना। अब हो जाएगा ये लॉग एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, और ये पूरे वाला डी एक्स सही है ना, ये एक्स से एक्स, इस एक्स एलजेब्रिक को पहले लिखिए तो एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, इसी में अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तब ये किसका फॉर्मूला हुआ, लॉग एक्स का। ये लॉग एक्स का एज ए फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला के जैसे याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा और कई जगह यूज भी हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको आप क्या करो, फॉर्मूला की तरह याद रखें, याद रहेगा। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, या यहां भी कर सकते हैं एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो चारों रूल लिखा गया है, बता दिया गया है सब में एग्जाम्पल के साथ, अब आप जितना बना सकते हैं, ठीक है, जितना बना सकते हैं। तो आप लोग को जो प्रॉब्लम दिए थे बनाने के लिए, पूछिए पहले एक से दस तक में क्या प्रॉब्लम, पहले इसको लिख लो। अल्लाह नहीं, पहले आप लोग पूछ लीजिए तो एक से दस तक में क्या प्रॉब्लम, लाइए क्या है आठ नंबर। कितने स्टूडेंट से आठ नंबर बन गया, हाथ उठाइए। ठीक है, इससे आठ नंबर रे कल हो बताए थे, दो से गुना दो से भाग कर देना। तब अच्छा, इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं, इसी पर वो पहले बना के दिखाओ, और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ही होगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। एक तो हम बताए तो एक तो तू लोग भी बनो, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करिए, कै गो फंक्शन है इसमें, तो क्या करेंगे, हाँ करिए जल्दी से। Thank you.
पूरे फास्ट में आया। कौन बैच रहे? हे देखो आग आग मलिए रहा है। समझिया बैच में आया रे। देख बन गया देखो। ठीक है ठीक है ठीक है। सो सिंपल, यहाँ पे जब सिंगल फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, एक से गुना करते हैं और एक को हमेशा भी मानते हैं, इसीलिए टेन इनवर्स एक्स और वन इंटू डी एक्स। कर सकते हैं इसको? बोलो ना, कर सकते हैं। अब आप इसे भी मान लो तो ये क्या होगा, u। करिए फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन बोलो एक्स, यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स और ये डी एक्स। कौन हो दिक्कत? ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। जरा कॉमन सेंस लगाओ, देखो नीचे का डीसी ऊपर है नहीं है, लेकिन कुछ करने से हो जाएगा। वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, इसका मतलब ऊपर में टू एक्स रहता तो कहते नीचे का डीसी ऊपर है, लेकिन नीचे का डीसी ऊपर नहीं है तो सेटिंग करो वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, यानी ऊपर में टू एक्स रहना चाहिए लेकिन एक्स ए टू है, टू नहीं है। तो टू लाने के लिए इसमें हम दो से गुना करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए दो से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x माइनस वन बाय टू, नीचे का डी सी ऊपर, तो नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं ना, यही क्या हो जाएगा आंसर। बताइए किससे किससे आया ऐसा? ठीक है, जिससे भी आया सही है, जिससे नहीं आया छापिए जल्दी। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल सहित पहले एग्जाम्पल बना लोगे, टाइप वन का एग्जाम्पल, उसके बाद फिर प्रॉब्लम, इस तरह से बनाइएगा तो टोटल बन जाएगा। ठीक है ना, बना क्या ना है, टोटल सूत्र फॉर्मूला जो भी है रूल टेक्निक बता दिया गया है, अब आप प्रॉब्लम बनाइए जितना बना सकते हो।